येलो कलर का हेयर बेटा, नो नो नो, वो आप फर्स्ट रो ये मैट मिल गया। Beautiful journey, wonderful journey. I met hundreds and thousands of people whom I really love and they love me. And they, I'm sure I will miss their company, they will miss me as well. This was a hard decision that I had to take. Not today, tomorrow, it has to be taken. Job mein, ghar mein, sara kuch tension mein, ye wo part hota tha mere day ka, jo ki mujhe bahut hi relief deta tha. Relief to bahut chota word hai, escape deta tha. उसी तरीके से जैसे हम लोग शरीर के बीमार होने को मानते हैं, तो एक तरीके से आप समझिए कि शहर बीमार हो गया है। मुझे तो ये लगता है कि किताब घर का सिंडिकेट बुक हाउस का बंद होना एक बहुत उदासी का सबब है। हमारी जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ा शौक है कि ये हम इतनी बड़ी चीज़ खो रहे हैं। आप अपने बच्चों को यहाँ लेके नहीं आ पाएंगे। बच्चे, आप सोचिए, पढ़ाई, स्कूल की पढ़ाई भी अगर उनकी फोन पे चल रही है तो वो बाकी क्या पढ़ेंगे, बाकी किस पर, बुक कैसे। धीरे धीरे आने वाली जनरेशन भूल जाएगी बुक क्या होती है। फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस फ्रॉम विद इन, मिस्टर संतोष कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स चिल्ड्रन हैड बीन ट्रेमेंडस। एज एंड व्हेन वी लुक फॉर ए क्वालिटी बुक और ए यू नो मैगजीन फॉर आवर चाइल्ड, दिस इज वेयर वी ऑलवेज केम। वी न्यू दैट वी विल नेवर बी डिसअपॉइंटेड। Our children have grown up with technology, and for each and everything they virtually look up to Google search. सिंडिकेट बुक हाउस के बंद होने की खबर सुन के कुछ ऐसा सा लगा जैसे अपना कुछ बहुत पीछे छूट गया। 90 का दशक, 2004 जब तक मैं बरेली से निकला हूँ तब तक मेरी जिंदगी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। मेरी इंटेलेक्चुअल जर्नी, इंटेलेक्चुअल तो क्या, किताबें पढ़ने की जो जर्नी रही वो वहीं, उसका पूरा इन्फ्लुएंस वहीं से था। अगर वो किताबें वहां नहीं होती या वहां मुझे अवेलेबल नहीं होती तो आज शायद मैं वो नहीं होता जो मैं हूँ। मेरी जिंदगी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया उसने। दुख है
कि वो बंद हो गया, लेकिन मैं जब भी सोचूंगा बरेली के बारे में सिंडिकेट बुक हाउस मेरे दिमाग में जरूर रहेगा और एक खुशनुमा याद है, मैं वो याद लेके ही रह सकता हूँ। मुझे अभी भी कि मैंने छोड़ दिया है, मुझे शॉप पर अब नहीं जाना है भाई, इतने सालों से मैं देख रही हूँ तो सडनली मुझे भी तो सिंक इन नहीं करेगा कि 10 बजे अब मैं घर पर बैठी हूँ, 10 बजे आई यूज्ड टू बी एट शॉप तो टाइम तो लगेगा। What made it more than a bookshop? See, earlier there was no such culture of that customers are roaming around in the shop picking up books from their bookshelf. There was no such culture. It was the, I think the first shop where customers could roam around, pick the book from the shelf. Browse it, and nobody is asking them कि क्यों उठा रहे हो, क्यों देख रहे हो, मत खोलो मत उठाओ, nothing like that. They would any number of books they could take out, roam around the shop for an hour or so. Nobody is going to ask them. So with that it became more popular. कि दो friends को मिलना है तो दिल से अच्छा syndicate पे चलेंगे. They are roaming around there, picking up books, and nobody is looking at them, nobody is asking them anything. It became open environment. They are in the safe under some roof. Nobody is looking at them. Nobody is asking them. साप्ताहिक हिंदुस्तान घर में आता था तो उसके जो लेखक लेखिकाएं होते थे उनको ढूंढना उनकी अलमारियों में। निर्मल वर्मा के वेदिन मुझे याद है आज भी कहाँ रखी थी, उसके हिस्से की धूप कहाँ रखी थी और मुझे हमेशा कहाँ मिलती थी मुझे आज भी याद है। ब्रदलगर के जिस ये सब लाइफ ऑल्टरिंग बुक्स थी, ममता कालिया की प्रतिनिधि कहानियाँ, इसमत चुगताई की प्रतिनिधि कहानियाँ, धर्मवीर भारती की गुनाहों का देवता, मुझे उन सब की स्मृतियाँ उसकी जगह से कि कहाँ से मैंने निकाली थी वो किताब को, और उस खुशी का मैं बखान नहीं कर सकता कि वो जब वो किताबें मुझे दिखती थी और मैं उनको घर ले आता था एक उत्सव जैसा मन हो जाता था। But when we shifted here, then not many Hindi publishers, they approached us. And we had a bigger space, bigger accommodation, more shelves and all that. So we could accommodate Hindi books also, Hindi publishers also. Mm-hmm. Otherwise, it was only English. According. Lucknow, the last phase of an oriental culture by Abdul Halim Sharar. Ye recommended thi kisi mitra dwara. ये भी उन्होंने मेरे लिए स्पेशली मंगा के दी थी। I'm very touched and thankful to her के उन्होंने। इधर में देखिए, इधर दो बच्चे भी कुछ कर। मैं तो अपनी किसी भी लेडीज को कहती हूँ, कहती हूँ क्यों इस उम्र में अपनी आंखों को दिखाती हो? मैंने कहा ये शॉप हो गया मेरा। I don't call it a bookstore. मतलब इट वॉज हाउ वी ग्रो अप, वी कांट इमेजिन आवर दैट वी ग्रो अप आवर लाइफ विदाउट सिंडिकेट। फॉर मी बुक स्टोर डिफाइन्स अ टाउन्स हैबिट्स। इन अ स्मॉल टाउन लाइक आवर्स सिंडिकेट बुक स्टोर स्टूड एज एन हैबिट, एन एस्केप, अ लैंडमार्क एंड एज वेल एज एन इंस्टीट्यूशन। ये इम्पोर्टेंस किसी भी शहर की, ये एक बुक स्टोर की होती है, होनी चाहिए। एंड इसमें वर्मा संतोष जी एंड हर हस्बैंड ऑफ कोर्स, इन्होंने बहुत शानदार काम किया। नीडलेस टू से इट विल बी मिस्ड, इट्स बीन पार्ट ऑफ आवर कलेक्टिव मेमोरी एज बरेली आई, एंड दैट कॉर्नर विल ऑलवेज बिलोंग टू द बुक स्टोर इन आवर मेमोरी, टक्ड अवे फॉर एवर एंड एवर।
सो थैंक यू संतोष फॉर होल्डिंग ऑन टू इट एंड विशिंग यू द बेस्ट. कितनी बार होता है कि कितने जमाने हो जाते हैं कि सिंडिकेट नहीं गए, ठीक है अमेजोन से मंगवा लिया, अमेजोन से नहीं मिला, फिर से मैम से पूछा कि मैम ये वाली बुक नहीं है अब आप मंगवा के दो. माय डॉटर वाज वेरी कीन ऑन रीडिंग अबाउट जेन एयर, तो उसके एक इंग्लिश के मेरे ख्याल से क्लास सिक्स या क्लास सेवेंथ के उसमें एक चैप्टर था, तो शी वॉन्टेड कि नहीं मुझे इनके बारे में और पढ़ना है. तो मैंने कहा हमारे पास सिर्फ एक जगह है जहाँ पे हम जाके इसको ढूंढ सकते हैं एंड आई एम 100% श्योर दैट वी विल गेट इट एंड वी गॉट इट. माय मेमोरीज ऑफ सिंडिकेट बुक हाउस आर रिलेटेड टू माय लेट मदर डॉक्टर सुधा गुप्ता. And as a child, I used to frequent Syndicate Book House with her. She was particularly very fond of books, and she tried to induce me into reading Ned Blyton and Perlis Buck and all those famous authors of yesteryears. The last book I bought from Syndicate Bookstore is The Greatest Stories Ever Told by Arnava Sinha. And at that time, I had to buy two books, but due to shortage of cash, I just postponed buying the other book for some other time. And guess what? There will be no other time. It's so saddening that that store is closing, because that was the place to just go to, just spend your hours sitting there reading books, just exploring books, reading blurbs, touching books, their spines, and just flipping all the pages. And I'm going to miss that. That experience won't be provided by online shopping or online buying books, and yeah, I'm just going to miss that. वो वाले time में इतना pocket money हम लोगों को नहीं मिलता था कि हम सारी books या especially comic books, because that was the period we were growing and we were you know mesmerized by the fantasy world. और तब वो comic books हमारी होती थी, वो बिल्कुल एक फैंटेसाइज करने वाला ही टाइम होता था. तो सर के मतलब सर यूज टू अलाउ अस कि अच्छा इतना टाइम मैं तुम्हारे को देता हूँ, और वहां पे हम लोगों का कंपटीशन होता था अपने फ्रेंड्स के साथ में कि कौन सी कॉमिक कौन फिनिश करता है उस पीरियड ऑफ टाइम में. सो दैट वाज द टाइम आई स्टिल रिमेम्बर, एंड दैट वाज वन जेस्चर आई स्टिल रिमेम्बर. ही वाज सो जेनरस कि हम वहां पे बैठ बैठ के कॉमिक्स पढ़ते थे. तो ये इंसिडेंट मैं कभी नहीं भूलूंगी, एंड दैट इज हाउ आई विल रियली मिस सिंडिकेट ऑल माय लाइफ. इज व्हेन आई वाज 10 और 12 इयर्स ओल्ड एंड आई यूज्ड टू गो टू दैट बुक स्टोर एंड सिट बिहाइंड शेल्व्स एंड ट्राई टू फिनिश ऑफ कॉमिक्स लाइक चाचा चौधरी, बिल्लू, पिंकी, सो आई डोंट हैव टू बाय दोज एंड आई कैन बाय अदर बुक्स, एंड दैट्स अ ब्यूटीफुल मेमोरी. Some boy, I don't write it again also, a small boy, he must have picked up mysteriously कोई book या कोई comic को pick up कर लिया होगा उसने और चला गया. Then he comes after, then he grew up, he became a man. Just few days back only, few years back only, he comes and says कि ये आपके 150 rupees. I thought what? He says कि मैंने जब छोटा था तो यहाँ से चोरी किया था और मैं जब भी यहाँ से गुजरता हूँ मुझे बड़ी गिल्टी फील होती है, तो आप आंटी ये रख लीजिए. आई वॉज टच, रियली टच. ऐसा है बेटा मेरे बच्चे भी पढ़ते हैं, तो मैं पढ़ा बात खत्म हो गई, सर ये आप रख लीजिए. आई टुक दैट मनी देन आई गिव कनी मी बुक. मुझे लगता है कि जब कभी मैं अयूब खान चौराहे की तरफ जाऊँगा, सुदर्शन की कहानी बाबा भारती पर है, हार की जीत, उसमें घोड़ा है, घोड़ा उनका खो गया है, चुरा लिया गया है, छीन लिया गया है, लेकिन कैसे दूसरी सुबह उनके पैर खुद उस पस्त बल की तरफ मुड़ जाते हैं. शायद वहाँ पहुँच कर मुझे भी हर बार वैसी ही ठिठकर महसूस हुई. सिंडिकेट बुक हाउस की दरवाजे किवाड़े बंद थे. किताबों से रूबरू कराने में दो लोगों की अहम भूमिका है, पापा और सिंडिकेट. पर आने वाले समय में मैं और मुझ जैसे तमाम लोग इस तजुर्बे को मिस करेंगे जब आप किताबों के बीच रहकर किताबों का चयन करें.
नहीं, मुझे बहुत सालों से बच्चों ने स्पेशली याद किया है, सिखाया, एक कल्चर डेवलप किया पूरा बच्चों को। लेकिन थोड़ा इधर आकर के पिछले 2-3-7 साल से मैं देख रही हूँ कि कुछ पेरेंट्स का रुझान भी बुक्स तो महंगी तो हो गई है, तो कुछ नहीं है, नहीं परचेज करवाते हैं, पेरेंट्स भी थोड़ा इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते। दे विल गो फॉर शूज शॉपिंग, दे विल गो फॉर क्लोथ ड्रेसेस शॉपिंग, कितना भी पैसा खर्च हो जाएगा दे वोंट माइंड, लेकिन बुक अगर 150 रुपीज की है तो उन्हें खल जाती है। लेकिन काफी पेरेंट्स ऐसे हैं, सब नहीं है बट लॉट ऑफ पेरेंट्स आर लाइक दैट। ये बताइए, आप इतने समय यहाँ रहे, सिंडिकेट से एसोसिएटेड लंबे समय से आप हैं भी, सिंडिकेट बुक हाउस ने बरेली के लोगों की जिंदगी में क्या बदलाव? बहुत ज्यादा बदलाव आया। मैं तो छोटा सा उदाहरण दूंगा कि जिस समय लंच टाइम का बोर्ड लगता था उस समय लोग लाइन के बाहर खड़े रहते थे, ये लंच टाइम का बोर्ड क्यों लगता है, जबकि हमारा ये था सब लोगों का कि खाना सुकून से खाएं। पर जैसे वो बोर्ड हटता था और शटर रुकता था फिर एक रश जैसे जाता था, और हम लोग सब लोगों को इतने रश होने के बाद भी सब बुक्स के लवर्स, पुस्तक प्रेमी पिन ड्रॉप साइलेंट में अपनी बुक्स पढ़ते थे। और लाइब्रेरी में भी आपको इशू करानी पड़ती है, 10 चीजों से पास होना पड़ता है तब भी वो बुक मिलती है या नहीं मिलती है। हियर इट इज एट योर डिस्पोजल, यू कैन जस्ट पिक अप। और वी एनकरेज पीपल कि आप नहीं ले जा सकते, कोई बात नहीं, बाय कर सकते तो आधे आज पढ़ लो, आज कल पढ़ लेना, आ जाना घर, घर देख रहे हो, ब्राउज कर रहे हो, आज कल पढ़ लेना। ताकि लोग का दिमाग थोड़ा सा इस तरफ आए, पढ़े लोग, वी really encouraged them कि वो पढ़ें। It was deep sense of my nostalgia from my childhood to young age, and last time when I was here, I went there with my daughter. She picked the books of her choice, and I was just looking her. शॉपिंग तो बुक्स पढ़ने के आया, वाज आल्सो वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स। फिर हमने नेचुरली वी आई सपोर्टेड हिम, ही हैड ओपनड द शॉप अर्लियर बिफोर आवर मैरिज, आई वाज हिज कस्टमर एज आई टोल्ड यू, एंड देन आई स्पोक, आई फुली अप्रूव्ड हिज, वी शुड गो फॉर अ बिगर शॉप, वी शुड हैव अ बेटर प्लेस, एंड नाउ आई वाज दैट प्लेस एंड आई सॉ द शटर डाउन. The Syndicate Book House board was there, and I was feeling pain actually. And I don't think any other bookshop will come again. Now it will be a big risk. Now it will be, somebody opens a bookshop, it will be a big risk. Because people are liking digital things. Yeah. Number one, they are reading very less. Reading culture is no more. That's almost vanished. And those who are reading, they are reading on Kindle or they are getting from Amazon. Book browsing culture in a bookshop, that has gone. I believe so. Syndicate Book House से मेरा job बहुत पुराना है, यहाँ से बहुत सारी books ली मैंने, और जब मुझे पता चला कि यहाँ ये last day है आज इसका, तो मैंने ये सोचा कि मैं इसका last customer हूँ, कि आप इधर जो है शॉप थोड़ी देर के लिए मेरे लिए खोल दें, तो मैंने खोल दी, इसलिए मैं आज लास्ट बुक में यहाँ से आया।